और मैंने अपने पीसी में कौन-कौन से कंपोनेंट डाले वो मैं आपको बताता हूं। अलैकुम, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो पता है मुझे काफ़ी लेट बाद वीडियो आ रही है, लेकिन क्या करें, मसरूफियात कुछ ज़्यादा हो गई और इस पीसी बिल्ड में भी कुछ टाइम लग गया, कुछ मसले आ गए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और बाकी पहले तो मैंने सोचा था मैं ये पीसी कराची से लूँगा और वहाँ पर मुझे सस्ता भी पड़ जाएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर वैराइटी वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा वहाँ से ले लूँगा, लेकिन मसला यह था, एक तो लॉकडाउन है, जाना एक तो मुश्किल और आना मुश्किल है, ऊपर से अगर वारंटी वगैरह चीजें, अगर कुछ मसला आ जाता पीसी में तो दोबारा कराची ले जाना या कुछ वो करना काफी प्रॉब्लम हो जाता, तो इसीलिए मैं नहीं गया। और बाकी मैंने कोटा से लिया कि मैं यहाँ पर वारंटी वगैरह भी मिल जाएगा मुझे, और चेंज करना हो कुछ, वो ऐसा ही हुआ मेरे साथ, अगर कुछ चेंज करना हो तो वो मैं कर सकता हूँ। और मैंने ये पीसी क्यों बनाया इस लॉकडाउन में, क्योंकि मैंने कहा अपना टाइम यूटिलाइज कर दूँ, टाइम का फायदा उठाऊ मैं, तो मैंने इसलिए पीसी बनवाया कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, इसी को फाइवर पे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ सीख के वहां पर मैं गिग वगैरह दूँ, अगर मैं ऐसे ही दे दूँ मुझे काम ना है तो मेरा भी नुकसान, उस कस्टमर का भी नुकसान। तो मैंने कहा कुछ सीख के वहाँ पर कुछ कर लूँ, या वीडियो एडिटिंग के लिए या कुछ इस तरह। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इस लॉकडाउन में नहीं ले, रेट कुछ ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। फिर भी मैंने इसलिए लिया कि भाई मैं टाइम को यूटिलाइज कर दूँ, ये काफ़ी अच्छा टाइम है। और बाकी अगर आप ले कोशिश करें यूज मिले तो आपको यूज में फिर भी कुछ सस्ता पड़ जाएगा। फिर मैं गया आगा सिराज, जो क्वेटा में आप बहुत लोगों को पता होगा, मशहूर है, तो वहाँ पर मैंने अपने पीसी बिल्ड करवाया, बहुत अच्छे भाई हैं, डबल ए ब्रदर्स उनका शॉप है, बेसमेंट में है वो, आप अगर आपको लेना हो तो वहाँ से ले सकते हैं आप। और मैंने अपने पीसी में कौन कौन से कंपोनेंट डाले वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कुछ लिख के रखे हैं क्योंकि मुझे याद नहीं है इतना पीसी बिल्ड का, मुझे पता नहीं है। तो प्रोसेसर है कोर i5 9 जनरेशन का, न्यू आपको तकरीबन आजकल 29,000 का मिल रहा है या 30,000 का मिल रहा है, लेकिन मैंने मुझे यूज में 24,000 का मिल चुका है। और बाकी मदरबोर्ड MSI 360 बजूका, ये वैसे तकरीबन 18,000 का है, 18,000 का, लेकिन मुझे 14,000 का मिल चुका है यूज्ड में, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रेट है। और बाकी 16 GB रैम DDR4 रैम है और वो भी मुझे बहुत सस्ते में पड़ गया, 12,500 न्यू है, लेकिन अच्छा रेट है क्योंकि सिंपल है, कुछ शोशा वगैरह इसमें नहीं है। और 1 TB का HDD जो कि 3500 का है यूज्ड में मुझे मिला है, और 120 GB SSD जो कि न्यू मुझे मिला है 4500 का, और जो मेरा केस है वो कूलर मास्टर का MB501L, वैसे तो ये 8000 का न्यू, लेकिन मुझे 6000 का मिला है। और बाकी इसमें जो पावर सप्लाई हमने यूज़ किया है वो है 500 वाट का पावर सप्लाई है, कोई जलमन कंपनी का, मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप लोग देख लेना। और बाकी इसमें GPU मेन कंपोनेंट सफायर RX 4GB 256 bit, बहुत ज़बरदस्त का परफॉर्मेंस है ये, वैसे तो आजकल लॉकडाउन में कुछ रेट्स के ज़्यादा हो गए हैं, 19,000 तक मिल रहे हैं, लेकिन मुझे ये मिला है 17,500 का। और बाकी इसमें 3 RGB फैंस भी मैंने लगाए हैं, ये कुछ शोशा के लिए मैंने लगाए, मैंने कहा थोड़ा कूलिंग वगैरह के लिए भी ये सही होगा, मैंने उसे कहा सिंपल लगा दो, उसने कहा सिंपल से तो अच्छे ये हैं, फिर तो बस उसने कहा ये लगा दिए, ये एक RGB फैन 1000 का है तो मुझे 3 मैंने लगा लिए, वो हो गए 3000 के। तो ये अगर आप टोटल कर ले ये हो जाएंगे कुछ 88,000, लेकिन इसके साथ मैंने एक वाईफाई कैचर भी लिया था टीपी लिंक का, वो मुझे 1500 का पड़ गया, और एक कुछ केबल वगैरह लिए मैंने, और तो ये इसके साथ पूरे मुझे 90,000 का सब कुछ पड़ गया, मुझे लगता है काफी अच्छे रेट में मुझे सब कुछ मिल गया है। और मैंने ऐसा पीसी बिल्ड बनाया कि मैंने मुझे आगे भी काम आए, कुछ देर तक काम करे ये, इसमें अगर कल को मुझे कुछ चेंज करना हो ग्राफिक कार्ड वगैरह तो मैं आसानी से चेंज कर सकूं। और बाकी जो मुझे लाया था जिसका मैं कह रहा था कुछ इसीलिए मुझे देर लग गई क्योंकि 4-5 दिन तो हो गए इस पीसी बिल्ड को, इसकी वजह ये थी कि पावर सप्लाई से आवाज़ आ रहा था कुछ, फिर भी वो भी मैंने खुद बना दिया घर पे, कुछ केबल्स वगैरह मैंने खुद निकाल लिए, मैंने खुद सेट वगैरह कर दिया, फिर भी उसमें जब मैंने गेम खेले, मैंने GT5 इसमें डलवाया कि मैं इसके टेम्परेचर वगैरह चेक करूँ, चीज़ें चेक करूँ, क्योंकि रेंडरिंग में एक वीडियो बनाने के बाद कुछ टाइम लग जाएगा, तो मैंने कहा एक गेम में चेक कर लूँ, GT5 कुछ हैवी गेम है तो उसमें
मैंने कहा अच्छा चेक हो जाएगा। तो जब मैं खेल रहा था तो बीच में पीसी खुद ऑफ हो रहा था और खुद रिस्टार्ट। तो मैंने कहा ये क्या मसला है, फिर भाई कॉल किया, भाई ने कहा बस आप आ जाओ मैं चेंज कर लूँगा। इसीलिए पहले कूलर मास्टर का सब पावर सप्लाई था, तो अभी कुछ ये जलमन कंपनी का है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये अभी सही चल रहा है बिल्कुल, कुछ मुझे कुछ भी मसला नहीं आ रहा, बिल्कुल एवन हो गया है सिस्टम। तब मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको सस्ता पड़ जाए, अगर एक चीज़ सही पड़ जाए तो आप यूज में फिर मज़े आपके, लेकिन न्यू भी आप ले तो उसके फिर अलग ही मज़े हैं। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई यहाँ पर इस वीडियो पे आया कि पीसी बिल्ड का चैनल है या कुछ ऐसा है, आगे आपको पीसी बिल्ड वगैरह नजर आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पीसी बिल्ड का चैनल नहीं है, ये व्लॉगिंग चैनल है। मैं अपना पर्सनल पीसी बिल्ड आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं। और अगर आप चाहते हैं गेम्स देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, HB गेम्स में चैनल का नेम रखूंगा, तो वो आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मैं देखूंगा कि भाई लोग क्या चाहते हैं, गेमिंग देखना चाहते हैं या नहीं, अगर तकरीबन मैं 100 सब्सक्राइबर रख देता हूँ, अगर उससे ज़्यादा हो गए तो आप गेमिंग चैनल पे वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अगर मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस वजह से आए कि कल को आपको पीसी बिल्ड के वीडियोज़ इधर मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे फिर मायूस हो जाएंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, फिर कल को आपको नोटिफिकेशन आएगा कि भाई ये किस चीज़ का चैनल, तो भाई इसीलिए आप सब्सक्राइब नहीं करें अगर आप इस वजह से हैं। और बाकी आपको अगर ये मेरा वीडियो व्लॉग अगर पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।